हेलो दोस्तों, आज मैं शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का विस्तृत विवरण करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम शिव पुराण के अनुसार, पहला सोमनाथ, यह गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश काठियावाड़ में श्री सोमनाथ मंदिर स्थित है। इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। इस प्रसिद्ध मंदिर को अतीत में 6 बार ध्वस्त एवं निर्मित किया गया है। 1022 ईस्वी में महमूद गजनवी के हमले से इस मंदिर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। वर्तमान भवन के पुनर्निर्माण का आरंभ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। मंदिर के प्रांगण में रात 7:30 से 8 बजे तक एक घंटे का एक साउंड एंड लाइट शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास का बड़ा ही सुंदर सचित्र वर्णन किया जाता है। इसी प्रकार सोमनाथ मंदिर बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय है। दूसरा, मल्लिकार्जुन मंदिर, यह आंध्र प्रदेश के कुरनूल में स्थित है और कृष्ण नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान हैं। इन्हें दक्षिण का कैलाश कहते हैं। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यह तक लिखा है कि श्री शैल के शिखर के दर्शन मात्र से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं और अत्यंत सुखों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार यह मंदिर बहुत ही विशाल और अच्छा है। तीसरा, महाकालेश्वर मंदिर, यह मध्य प्रदेश के महाकाल उज्जैन में स्थित है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पूर्णदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस किए जाने के बाद से यहाँ जो भी शासक रहे उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्वार और सौंदर्यीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया। इतिहास से पता चलता है कि उज्जैन में सन 1107 से 1728 ईस्वी तक यवनों का शासन था। इनके शासनकाल में अवंती की लगभग 4500 वर्षों में स्थापित हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं प्राप्त नष्ट हो चुकी थीं, लेकिन 1690 ईस्वी में मराठों ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण कर दिया और 29 नवंबर 1728 ईस्वी को मराठा शासकों ने मालवा क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौट आया और 1731 से 1809 तक यह नगरी मालवा की राजधानी बनी रही और आगे चलकर राजा भोज ने इस मंदिर का विस्तार करवाया था। इसी प्रकार यह मंदिर बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा मंदिर माना जाता है। चौथा, ओमकारेश्वर मंदिर, यह मध्य प्रदेश के खांडवा जिले के नर्मदा नदी में एक द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना है। यहाँ 2 मंदिर स्थित हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर हैं। ओमकारेश्वर प्रारंभ में भील राजाओं की राजधानी थी। लंबे समय तक ओमकारेश्वर भील राजाओं के शासन का क्षेत्र रहा है। देवी अहिल्याबाई होलकर की ओर से यहाँ नित्य मृत्तिका के
18 सहस्त्र शिवलिंग तैयार कर उनका पूजन करने के पश्चात उन्हें नर्मदा में विसर्जित कर दिया जाता है। ओमकारेश्वर नगरी का मूल नाम मानधाता है। 5 केदारनाथ मंदिर, यह उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर स्थित है और साथ में 4 और पंच केदारनाथ में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जनमेजय ने कराया था। यह स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। मंदिर के आसपास की मकानें बह गईं। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा एवं सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहे, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया, लेकिन मंदिर वैसा का वैसा ही रहा। केदारनाथ मंदिर बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अलौकिक है। 6 भीमा शंकर मंदिर, यह महाराष्ट्र के भौरगिरी गांव खेड़ा से 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम पुणे से 110 किलोमीटर में स्थित है। यह पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर शिवलिंग काफ़ी मोटा है, जिसके कारण इन्हें मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। पुराणों में ऐसा मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जापते हुए इस मंदिर के दर्शन करता है, उसके 7 के पाप दूर होते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। 7 काशी विश्वनाथ मंदिर, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इसका जीर्णोद्वार 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद ने करवाया था और वर्ष 1194 में मोहम्मद गौरी ने ही इसे तुड़वा दिया था, जिसे एक बार फिर बनाया गया, लेकिन वर्ष 1447 में पुनः इसे जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तुड़वा दिया। वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1853 में 1000 केजी शुद्ध सोने द्वारा बनवाया गया था। हिंदू धर्म में कहते हैं कि प्रलय काल में भी इसका लोप नहीं होता है, उस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर इसे नीचे उतार देते हैं। यही नहीं, आदि सृष्टि स्थलीय भी यही भूमि बतलाई जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत ही अद्भुत है। इस समय उसमें जो काशी कॉरिडोर बनाया गया है, इस वजह से यह मंदिर और भी ज़्यादा अद्भुत हो गया है। 8 त्र्यंबकेश्वर मंदिर, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में है। यहां के निकटवर्तीय ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। इन्हीं पूर्णतया गोदावरी के उद्गम स्थान के समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान की भी बड़ी महिमा है। गौतम ऋषि तथा गोदावरी के प्रार्थना अनुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से भी विख्यात हुए। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव। इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्वार 1755 में शुरू हुआ था और 31 साल लंबे समय के बाद
1786 में जाकर पूरा हुआ। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो उस समय काफ़ी बड़ी रकम मानी जाती थी। 9वां बैद्यनाथ मंदिर। यह झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान में अवस्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। शिव का एक नाम बैद्यनाथ भी है, इस कारण लोग इसे बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। यह एक सिद्धि पीठ है, इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। देवघर का शाब्दिक अर्थ है देवी देवताओं का निवास, तथा देवघर में बाबा भोलेनाथ का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर स्थित है। हर साल श्रावण के महीने में श्रावण मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बोलबम का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। मंदिर के समीप ही एक विशाल तालाब भी स्थित है। बाबा बैद्यनाथ का मुख्य मंदिर सबसे पुराना है, जिसके आसपास लोग अन्य मंदिर भी बने हुए हैं। बाबा भोलेनाथ का मंदिर माँ पार्वती जी के मंदिर से जुड़ा हुआ है। 10वां नागेश्वर मंदिर। यह गुजरात के द्वारका के बाहरी क्षेत्र में स्थित हिंदू धर्म के अनुसार नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर होता है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। कहा गया है कि जो श्रद्धापूर्वक इसकी उत्पत्ति और महत्व की कथा सुनेगा, वह सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान शिव के पास पवित्र दिव्य धाम को प्राप्त होगा। 11वां रामेश्वरम मंदिर। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह हिंदू का पवित्र स्थान है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर दक्षिण में 117 मीटर एवं पूरब पश्चिम 133 मीटर है। इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर तथा ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। मंदिर में विशाल विशालाक्षी जी के गर्भगृह के निकट ही 9 ज्योतिर्लिंग है, जो लंकापति विभीषण द्वारा स्थापित बताए जाते हैं। रामनाथ के मंदिर में जो ताम्रपट हैं, उनसे पता चलता है कि 1173 ईस्वी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने मूल लिंग वाले गर्भगृह का निर्माण करवाया था। उस मंदिर में अकेले शिवलिंग की स्थापना की गई थी, देवी की मूर्ति नहीं रखी गई थी, इस कारण यह निशंगेश्वर का मंदिर कहलाता है। यही मूल मंदिर आगे चलकर वर्तमान दशा को पहुंचता है। 12वां और आखिरी ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर मंदिर। यह महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नज़दीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर घृष्णेश्वर मंदिर का स्थित है। बौद्ध भिक्षुकों द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप ही स्थित है। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुष्मेश्वर घृष्णेश्वर घिसेश्वर भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर बेलूर गांव के पास स्थित है। इसी प्रकार ये 12 ज्योतिर्लिंग बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए। यहाँ दर्शन मात्र से ही आदमी और औरतों और इंसानों का जीवन अच्छा और
सुकून भरा हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर कोई भी कमी है तो कमेंट करके मुझे बताएं। हर हर महादेव।